लेकिन यह जरूर कहूंगी एक महिला होने के नाते कि आपकी लाचारी पर, आपकी बेबसी पर, आपकी सत्ता की लोलुपता पर मोदी जी तरस आता है। अपनी पालतू दमनकारी पुलिस से आपने ट्विटर को डराया, धमकाया और राहुल जी की एक ट्वीट को डिलीट कराया, उनके अकाउंट को ब्लॉक कराया। मोदी सरकार का दलित विरोधी और महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। आज 8 तारीख है, आज 8 दिन हो गए हैं, देश की राजधानी दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध होते हुए, वो दुष्कर्म होते हुए, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसका शव शमशान में जला दिया गया, उसकी माँ गुहार करती रही कि ऐसा ना किया जाए, और उसके परिवार को अंततो गत्वा सिर्फ उसके अधजले पैर मिले। उसकी मां चीख चीख कर बोलती रही ऐसा ना करो, लेकिन दुष्कर्मियों ने उसकी एक ना सुनी, और बजाय उस बेटी को, उस परिवार को न्याय दिलाने के, आज मोदी जी, अमित शाह जी और सरकार दमन पर आमादा है। और इसको कहने का हमारे पास पुख्ता कारण है। जब राहुल गांधी जी 4 अगस्त को बुलंदी के साथ उस बेटी के लिए न्याय की आवाज उठाते हैं, उसके शोक संतप्त परिवार को गले से लगाते हैं, उसके आंसू पोंछते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, तो सरकार को आपत्ति होती है। सरकार के तमाम बददिमाग प्रवक्ता, सरकार के मंत्री, सरकार की पूरी ट्रोल आर्मी, इन सबको कुछ कष्ट होता है। लेकिन सच तो यह है कि यह हादसा प्रधानमंत्री आवास से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। 9 साल की एक दलित बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, 8 दिन बाद प्रधानमंत्री महोदय ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन दिल्ली पुलिस है, उन्होंने इस पर एक शब्द नहीं बोला है। शब्द बोलना तो दूर, सहानुभूति तक वक्तव्य का वक्तव्य नहीं दिया गया है। आंसू पूछना भी दूर की बात है, क्योंकि ना न्याय का आश्वासन दिया गया है, ना परिवार की टोह ली गई है। पर सच तो यह है कि जब राहुल गांधी उस परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं, तो न्याय तो आपको देना ही पड़ेगा मोदी जी, उससे आप बचकर जा नहीं पाइएगा। पर हां, एक प्रधानमंत्री होने के कारण आपकी चुप्पी निंदनीय है। ये जो सुई पटक सन्नाटा नई दिल्ली में आपकी सरकार ने रखा हुआ है, वो चीख चीख कर आपसे पूछ रही है कि आप चुप क्यों हैं। आपके खोखले नारों की धज्जियां आपकी चुप्पी उड़ा रही है। आज देश की बेटी के साथ एक बार फिर दुष्कर्म हुआ है, देश की राजधानी में एक फिर निर्भया आई है, और ये देश आपकी चुप्पी से परेशान है, आपकी चुप्पी से व्यथित है। आज समय था कि आप मिलते विपक्ष के साथ, आज समय था आपसी मतभेद बुलाकर न्याय की दलील देते, न्याय की बात करते, इन दरिंदों को एक मैसेज देते कि हमारी बेटियों के साथ ये नहीं हो सकता है और निर्भया इस देश में नहीं बच सकती हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपकी तुच्छ राजनीति फिर भी बाज नहीं आई। अपनी पालतू दमनकारी पुलिस से आपने ट्विटर को डराया, धमकाया और राहुल जी की एक ट्वीट को डिलीट कराया, उनके अकाउंट को ब्लॉक कराया। पर यह आपकी निडरता नहीं, यह आपकी कायरता दिखाता है कि आप कैसे एक संवेदनशील व्यक्ति से, कि आप कैसे उस व्यक्ति से जो हौसला रखता है आंसू पोंछने का, डरते हैं, क्योंकि यह करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। और यह मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट के साथ खिलवाड़ का नहीं है, यह मुद्दा आपकी चुप्पी का है, एक दलित गरीब बेटी के दमन का है। क्योंकि सच तो यह है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी वहां पर 2 तारीख को गया था, 2 अगस्त को, और उसमें आप ही के तमाम नेता थे, कुछ का नाम मैं ले देती हूं। उसमें विजय सांपला जी थे, अंजू बाला जी थी और तमाम आपके नेता थे, अरुण हल्दर जी थे, सुभाष पारदी जी थे, और आज भी उनके ट्विटर अकाउंट पर वहां की फोटो, उनके परिवार की फोटो लगी हुई है। ये मैं 2 अगस्त की बात कर रही हूं। आपकी पूर्व सांसद और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की मेंबर अंजू बाला जी ने ट्वीट किया 3 अगस्त को और फोटोग्राफ्स के साथ, वहां पर भी परिवार की पिक्चर है। और तो और तमामों ऐसे ट्विटर हैंडल हैं जहां पर परिवार की पिक्चर है, क्योंकि ये परिवार सड़क पर उतरकर बिलक बिलक कर, चीख चीख कर न्याय मांग रहा है। इनके चेहरे छुपाने की कोशिश जो आप कुत्सित कर रहे हैं,
वो कहीं ना कहीं इनके दमन की तैयारी आप कर रहे हैं। लेकिन अकाउंट ब्लॉक होता है, ट्वीट डिलीट सिर्फ राहुल गांधी जी का ही क्यों होता है? और मैं एक बात और पूछना चाहती हूं, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो तो संविधान की बनाई हुई एक संस्था है, जो उन्होंने 2 तारीख को दिखाया, जो उन्होंने 3 तारीख को दिखाया, अगर 4 तारीख को राहुल गांधी जी ने दिखाया तो इसमें क्या गलत था? उनके ट्वीट आज भी हैं, उनके अकाउंट से एक भी खिलवाड़ नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी जी के खिलवाड़ क्यों होता है? और 4 अगस्त को ऐसा क्या गलत हो जाता है दिखाना जो 2 और 3 को ऑलरेडी दिखाया जा चुका था? मुझे लगता है इस मंच से मैं अपने सहयोगियों के साथ ये जरूर पूछना चाहती हूं कि दिक्कत क्या है? दिक्कत राहुल गांधी जी का उस परिवार के साथ खड़े रहना है, या दिक्कत और आपत्ति एक बेटी के साथ ऐसा हो जाना है, और खासकर की ऐसी बेटी जो वंचित है, शोषित है, दलित है और गरीब है, और शायद इसी सब की कीमत उसको चुकानी पड़ी। एक न्याय की गुहार लगाती मां को, एक न्याय मांगते पिता को अगर राहुल गांधी जी ने गले लगा लिया तो ऐसा क्या गलत किया? आप ट्विटर को डराकर उनकी एक ट्वीट तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो करोड़ों लोग ट्विटर पे बोल रहे हैं, हम सब लोग यहां पर बैठकर जो ट्विटर पर, अन्य प्लेटफॉर्म पर, सड़कों पर इस सवाल को उठा रहे हैं, आप किस किस का दमन करिएगा? और मैं ट्विटर के इस मंच से ट्विटर से भी कहती हूं, आप किस किस के ट्वीट डिलीट करिएगा? और यह सिलेक्टिव आउटरेज, ये सिलेक्टिव एक्शन किस तरह से जस्टिफाई करता है ट्विटर भी, यह भी पूछना जरूरी है। ये जो सिलेक्टिव एक्शन है जो आप डर कर रहे हैं, डरिए मत, ये सरकार दमन करती है क्योंकि ये खुद कायर है, आप इनसे मत डरिए। आप अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अगर खड़े रहते हैं हम आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जो आपने सेलेक्टिव आउटरेज दिखाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि तमाम ऐसी फोटो, और हम आपको ये देंगे अपनी रिलीज के साथ, 6-7 ऐसे हैंडल्स जो प्रोमिनेंट लोगों के हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। मैं ये भी कहना चाहती हूं कि अगर एक दलित बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध होता है, इतना बड़ा दुष्कर्म होता है, और राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े रहते हैं, और अगर यह अपराध है तो मैं चाहती हूं, हम सब चाहते हैं राहुल जी ये अपराध बार बार करें, क्योंकि मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक दलित बेटी के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हो जाए तो उसके बारे में बोल भी सके। आंसू पोंछना तो दूर की बात है। अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो करिए हम सबको गिरफ्तार, करिए पूरी कांग्रेस पार्टी को गिरफ्तार, करिए उन महिलाओं, उन युवाओं को गिरफ्तार जो लगातार आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछ रहे हैं, आपकी चुप्पी पर सवाल पूछ रहे हैं। मैं एक छोटा सा आंकड़ा यहां पर जरूर देना चाहती हूं, क्योंकि लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स 2019 के हैं नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के। 32,033 महिलाओं का रेप हुआ था, जिसमें से 15% बच्चियां थी और अधिकांश दलित थी। याद करिए हाथरस, वो लड़की दलित थी। याद करिए उन्नाव, वो लड़की दलित थी। क्या है दलित होने का मतलब, क्या है शोषित और वंचित होने का मतलब इस देश में? और हां, अंत में मैं ये जरूर कहूंगी और फक्र से कहूंगी, गर्व से कहूंगी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनको नाको चने चबवा दिए जब आप उनकी मुखबिरी करते थे। हम ना उनसे डरे थे ना उनके जेलों से डरे थे, तो आपसे और आपके जेलों से क्या डरेंगे? लेकिन यह जरूर कहूंगी एक महिला होने के नाते कि आपकी लाचारी पर, आपकी बेबसी पर, आपकी सत्ता की लोलुपता पर मोदी जी तरस आता है, आपकी असंवेदनशीलता पर एक औरत होने के नाते सिर शर्म से झुक जाता है। हम जरूर ये कहेंगे कि ये जो सिलेक्टिव आउटरेज राहुल गांधी जी के अकाउंट के साथ खिलवाड़ करके किया गया है, ट्विटर को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक विपक्ष का नेता अगर शोषित, वंचित, दलित बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय होने पर उसके साथ नहीं खड़ा होगा तो न्याय आखिर उसको कौन दिलाएगा? अंत में यह जरूर कहना पड़ेगा कि यह नया भारत है, यहां पर आंकड़े मिलते हैं मुर्दों के, आंकड़े मिलते हैं बच्चियों के, आंकड़े मिलते हैं दुष्कर्म के, यहां पूरा सिस्टम जुट जाता है एक लड़ाई को रोकने के लिए। यह नया भारत है, लेकिन यह लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने सही कहा था, उनका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं।